नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नवरात्रि उत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत घर पर मूर्तियां 2 फीट से अधिक की नहीं होनी चाहिए और पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए। वहीं सरकार ने गरबा और डांडिया पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, नवरात्रि उत्सव इसी महीने के 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर को संपन्न होंगे। आइए जानते हैं उल्लासनगर मनपा के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने नवरात्रि उत्सव को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा 8 अक्टूबर 2000 को एक मार्गदर्शक सूचना के लिए पत्र प्रसिद्ध किया गया है। उस पत्र के अंदर महाराष्ट्र शासन की ओर से दिनांक 29 सितंबर 2020 को शासन निर्णय या परिपत्रक है, उस परिपत्रक यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उस परिपत्रक के तहत जो सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय गर्भगुड़ती और सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय जो सभी सूचनाएं थी, मार्गदर्शक तत्व थे, नियम थे, कानून थे, वही सब सार्वजनिक नवरात्र उत्सव, घरगुड़ती उत्सव या सार्वजनिक नवरात्र उत्सव उनमें लागू है। जैसे कि देवी माँ की जो मूर्ति है 2 फुट से लेकर, जब घर में बिठाना है माता को तो 2 फुट की मूर्ति होनी चाहिए, सार्वजनिक मंडप में बिठाना है तो 4 फुट की होनी चाहिए मूर्ति की ऊँचाई। घर में जो आगमन के समय मूर्ति लाना है घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग चाहिए। जो उसमें जो वाद्यंत्री है उनमें यहाँ पे इसका समायोजन नहीं किया गया है। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए उनका प्रादुर्भाव को रोकने के लिए सभी मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करना चाहिए। किसी के सार्वजनिक मंडल उत्सव के जो सदस्य है, जो कमेटी मेंबर्स है, उन्होंने भक्तों से या अन्य लोगों से ज़बरदस्ती देनगी नहीं लेनी चाहिए। स्वेच्छा ने खुद होकर किसी ने देनगी दिया तो बात अलग है। जो मंडप है, मंडप में भी कम से कम 4 या 5 लोग रहेंगे, जो फिजिकल डिस्टेंस है और उनको कायम रखना है, मास्क लगाना है, उसमें सैनिटाइज़र लगाना है, सैनिटाइज़र रखने का है। और ये सभी चीज़ें सेम मूर्ति माता का जो आगमन के समय जो सूचना है, जो सूचनाएँ सब पालन, और विदाउट परमिशन सार्वजनिक मंडपों में माता का मूर्ति का कोई स्थापना नहीं करेगा। सर, नवरात्र के चलते गरबा रास और डांडिया रास बड़े जोरों शोरों पर चलता है, उस पर क्या पाबंदी लगाई गई है? भीड़ करना ही नहीं, मैंने पहले ही बताया 4 या 5 लोग सार्वजनिक मंडल में, माता के नवरात्र उत्सव मंडल में। तो ये सभी आपको इसका मैसेज ये जाता है कि वो गरबा जो है उसके ऊपर पाबंदी है, तो कहने का मतलब है। और हमारा जब नवरात्र माता का ये सब खत्म होगा उत्सव, तभी जो विसर्जन के लिए, जो जैसे कि गणपति बप्पा के लिए संकलन सेंटर रखे थे वही जगह पे सेम, जैसे कि कैंप नंबर 1 में या प्रभाग समिति में, 1 में गोल मैदान या प्रभाग समिति 2, इसमें से 2 नंबर 17 नंबर स्कूल, प्रभाग समिति 2 में सपना गार्डन, हीरा घाट, प्रभाग समिति 3 में गुलराज टावर, और प्रभाग समिति 4 VTC संकुल और कैलाश कॉलोनी, गुलराज टावर नहीं है, ये से शाड़ा है, गोल मैदान है, बोट क्लब, विनस चौक और कैलाश कॉलोनी, गुलराज टावर यहाँ पे नहीं है और 17 नंबर स्कूल नहीं है। इस बार ऐसे 5 जगह पे कलेक्शन सेंटर रहेगा कैंप वाइज, और सभी भाविक और भक्तों ने इस मार्गदर्शक सूचना जो माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा तिवारी साहब इन्होंने निकाली है उनका पूरा पालन करें और नवरात्र उत्सव जो है शांतिपूर्वक मनाए। जो मूर्तियां है वो शाड़ू की या जिसको बोलते हैं वही होनी चाहिए। उसका विसर्जन जैसे गणपति बापा के पीरियड में बोला था कि घर में ही अपने अपने इसमें छोटा सा ये करके विसर्जित किया तो सबसे उचित रहेगा। और ये सब करने से जो कोविड महामारी है उससे अपन अपना बचाव, अपना खुद का, खुद के परिवार का, और वो खुद की जिम्मेदारी है। जैसे कि हमें महाराष्ट्र शासन ने निकाला है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये जो संकल्पना है इसका पूरा पालन करें और कोविड महामारी की जो संक्रमण है उस होने से रोके, उसके पाबंदी लाए। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।